हेलो फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हम कंस्ट्रक्टर के बारे में जानेंगे। और दोस्तों, यदि हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले कुछ टैग्स परफॉर्म करना हो और तो उसके लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। और जैसे कि वेरिएबल को इनिशियलाइज करना हो तो हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। और जैसे कि आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और उसकी वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं है, और वो वैल्यू आप यूजर से ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाते समय इनपुट करवाना चाहते हैं, और ये आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही कर पाएंगे। और जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सा, अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर क्लास में नहीं है तो जावा कंपाइलर ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है। इसका एक प्रोग्राम का एग्जांपल देते हैं ताकि हमको इजीली समझ में आ सके। सबसे पहले यहाँ पर हम एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इंट, और उसके बाद लैपटॉप मैंने नेम दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रिंग नेम कुछ भी दे देंगे, स्ट्रिंग नेम फॉर एग्जांपल टाइप, उसके बाद सेमी कॉलन, फिर उसके बाद यहाँ पर वाइट, और फिर डिस्प्ले, और उसके बाद पैरेंथेसिस, फिर यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट से कोड ब्लॉक ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको प्रिंट करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ पर वेरिएबल का नेम दे देंगे जो ऊपर यहाँ पर लैपटॉप है, और उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन, फिर डबल कोट्स, और फिर यहाँ पर प्लस का साइन, और फिर उसके बाद स्ट्रिंग नेम टाइप, और उसके बाद यहाँ पर हम अगेन इसके बाहर कोड ब्लॉक जो वाइट का है यहाँ पर कर्ली ब्रेकेट, इसके बाहर यहाँ पर हम मेन मेथड यूज करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और यहाँ पर ब्रेकेट में स्ट्रिंग, और फिर आर्गुमेंट्स, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रेकेट, और फिर कोड ब्लॉक ओपन कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर क्लास का नेम देंगे लर्निंग, और उसके बाद A1 इक्वल टू, और फिर उसके बाद न्यू उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, न्यू लर्निंग, और उसके बाद यहाँ पर पैरेंथेसिस के बाद सेमी कॉलन, फिर अगेन ऐसे ही करेंगे लर्निंग, और फिर नेम कुछ भी दे देंगे A2, आप यहाँ पर कुछ भी नेम दे सकते हैं। फिर उसके बाद इसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और पैरेंथेसिस, और फिर सेमी कॉलन, उसके बाद इनको हम डिस्प्ले करवाएंगे A1 डॉट डिस्प्ले, यहाँ पर मीनिंग मिस्टेक है मे बी, ओके मीनिंग मिस्टेक सही हो गया, A2 डॉट, और फिर उसके बाद डिस्प्ले, फिर उसके बाद सेमी कॉलन। अब इस प्रोग्राम को रन करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर ने ऑटोमेटिक यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जीरो यानी नल वैल्यू दे दी, जबकि यहाँ पर हमने कोई वैल्यू नहीं दी है, बट कंस्ट्रक्टर ने यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जीरो एक नल वैल्यू यहाँ पर दे दी। तो इसका मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल था, अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर क्लास में नहीं है तो जावा कंपाइलर ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है। और जैसे कि ये यहाँ पर सबसे पहले इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया लैपटॉप, और आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, उसके बाद स्ट्रिंग का नेम दिया टाइप, आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर नेम, फिर वाइड डिस्प्ले, और फिर यहाँ पर प्रिंट एलेन यानी प्रिंट करवा दिया, उसके बाद यहाँ पर मेन मेथड, फिर यहाँ पर लर्निंग, यहाँ पर कुछ भी नेम दे दिया, उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर यहाँ पर लर्निंग, फिर इसके बाद A2 नेम दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद A1 डिस्प्ले करवा दिया, A2 डिस्प्ले करवा दिया। आपने देखा यहाँ पर कंस्ट्रक्टर ने बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जीरो इसको नल वैल्यू दे दिया। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।